इन्होंने खो दी है डिग्री, जो छात्राएं हैं उनकी डिग्रियां गायब हो रही है। मैं तीन दिन से आई हूँ यहाँ पे, पहले भी आई थी, तो पहले तो मुझे बाहर से बोल दिया था कि प्रिंसिपल मैम नहीं है तो कल आना, तो मैंने फॉर्म भर दिया। फिर उसके बाद मैं आज आई, तो आज मुझे आई हूँ सुबह 11:30 बजे से। पहले तो दो चक्कर कटवाए कि ना इस ऑफिस में जाओ, वहाँ पे ऑफिस में एम्प्लॉय ही नहीं थे, बोले लंच पे गए हुए हैं। बहुत देर में बैठी रही, तो फिर दूसरे सर से पूछा तो बोले लंच टाइम तो ये है ही नहीं। तो फिर मैंने पूछा कहाँ गए हैं, तो मैंने दूसरे सर से बोला कि आप कर दो प्लीज़ मेरा काम, आप ही रसीद काट दो। तो फिर उन्होंने काट कर दी। फिर मैं अंदर ऑफिस में गई, डिग्री ढूंढवाई, बहुत देर तक उन्होंने सारे बंडल छनवा लिए, इन भैया ने भी ढूंढवाई, कुछ नहीं मिला। फिर मैंने उनसे पूछा कि कोई तो अल्टरनेटिव होगा इसका, कि भाई है ना कहीं तो आप जाके पूछ सकते हो कि कहाँ है मेरी डिग्री। उन्होंने बोला कि आप यूनिवर्सिटी जाके पता कर सकते हो या तो फिर प्रिंसिपल मैम से बात कर लो। तो मैं प्रिंसिपल मैम के पास आई, तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं डिग्री तो नहीं है। उन्होंने इन सर से भी पूछवाया कि डिग्री आपने ढूंढी, तो उन्होंने बोला नहीं हमें तो अंदर मिली नहीं। तो फिर जब से यही चल रहा है। अच्छा, आपने इस महाविद्यालय से क्या कहीं की पढ़ाई करी है? बी कॉम किया था मैंने 2014 में, थर्ड ईयर किया था, एग्जाम दी थी। उसके बाद जो MDS महाविद्यालय को डिग्री उपलब्ध कराता है, तो वो डिग्री आपने नहीं ली? हाँ, मेरा लिस्ट में बकायदा नाम भी है मेरा पूरा, अब आप पर उसमें मेरे साइन भी नहीं है आगे, तो डिग्री तो इनके पास ही होगी ना, जब मैंने रिसीव ही नहीं करी। कल मैंने एम कॉम किया था DAV कॉलेज से, कल मैं वहाँ से डिग्री लेने गई, वहाँ तो मेरी हाथों हाथ डिग्री मिल गई, एम कॉम की डिग्री मिल गई, लेकिन बीकॉम की आपकी डिग्री? हाँ, एक गवर्नमेंट कॉलेज से। आपको चक्कर लगाने पड़े। हाँ। फिर महाविद्यालय कौन सा महाविद्यालय है ये? गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज है अजमेर का। यहाँ पर उपलब्ध नहीं है? नहीं, इन्होंने खो दी है, डिग्री है ही नहीं। अब क्या प्रोसीजर? किसकी लापरवाही मानते हो? ये तो कॉलेज की लापरवाही है, जो एम्प्लॉई है उनकी लापरवाही है। अब क्या प्रोसीजर? जब तुम्हारे पास डिग्री आई है यूनिवर्सिटी से, तुम्हें पकड़ाई है, थमाई है, तो तुम्हें रखनी चाहिए ना डिग्री अपने पास संभाल के। अच्छा, महाविद्यालय प्रशासन कह रहा है कि 0 FIR दर्ज करवा कर और यूनिवर्सिटी तक पहुँचा कर डिग्री आपको उपलब्ध हो जाएगी। अगर इसके बाद भी अगर नहीं होती है तो क्या आप कोर्ट की शरण लेंगे, क्या रहेगा? अब वो तो मुझे कोई आइडिया नहीं है कि क्या इसके आगे क्या प्रोसीजर होगा। तो डिग्री नहीं मिलेगी तो कुछ ना कुछ तो स्टेप लेना पड़ेगा। आपका नाम बोलिए। दर्शना ठाकुर। हाँ बताइए, किस मामले में बिहार भाई? देखिए, GGCA गर्ल्स कॉलेज के अंदर आज एक बड़ा घटनाक्रम हुआ, जो छात्राएं हैं उनकी डिग्रियां गायब हो रही है। पहले भी दो चार मुद्दे ऐसे आए हमारे पास विद्यार्थी परिषद के पास में, डिग्री कॉलेज के पास आ गई, यूनिवर्सिटी वालों ने डिग्रियां भेज दी, कॉलेज से डिग्रियां गायब हो रही है, प्रशासन का ध्यान नहीं है, प्रशासन लापरवाह बना हुआ है। एक प्रश्न प्राचार्य सर को हम कह रहे हैं डिग्री कहाँ है, प्राचार्य सर कोई आश्वस्त जवाब नहीं है। प्राचार्य सर कह रहे हैं हाँ हो गई, आप ही निकलो, हम क्यों निकलवा लेंगे। बड़ी लापरवाही विश्वविद्यालय और इस कॉलेज की, इतनी बड़ी लापरवाही हो गई कि कनाडा के रहने वाले यहाँ डिग्री लेने के लिए, पहली बात तो 10 दिन से इनको डिग्री के लिए घुमा रहे हैं, आज आओ आप फॉर्म भरो, कल डिग्री लेने के लिए आएंगे सर बैठेंगे, परसों वो आएंगे, परसों आपकी रिसिप्ट कटेगी। अब एक घंटे से लगातार हम लोग धरने पे इनके प्राचार्य रूम में बैठे हैं, उसके बाद में इन्होंने वहाँ बात करी है, वो भी FIR कराने की कह रहे हैं। अगर डिग्री नहीं मिली तो हम कोर्ट का रास्ता चुनेंगे, और अगर ये प्रशासन ऐसी गलतियां करता रहा, ऐसे छात्रों को परेशान करता रहा, प्रशासन लापरवाह बनता रहा, विद्यार्थी परिषद बड़ा आंदोलन इस कैंपस के बाहर और यूनिवर्सिटी के बाहर करेगी। पहले क्या लिख के भेजा था आपको कागज पे कि डिग्री नहीं मिल रही, तो वो लिखा था ना? नॉर्मल चीज़ें ऐसे ही, पर डिग्री नहीं मिल रही है तो उसमें लिख देता हमारे पास उपलब्ध नहीं है, ये जवाब हुआ क्या प्रशासन का? प्रिंसिपल सर ऐसा जवाब, हमारे पास उपलब्ध नहीं है, कहाँ जाएंगे हम, किसके पास जाएंगे, हम तो यहीं जानते ना कि आप यूनिवर्सिटी जाओ। महाविद्यालय की बड़ी लापरवाही सामने, बड़ी लापरवाही है, बड़ा धांधली है, डिग्रियों का बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है। अब क्या हो रहा है इसमें बड़ा खुलासा भी हो सकता है, हम लोग लगातार इसको लेकर कलेक्टर साहब से मिलेंगे, बड़ा मामला है। अब क्या है, डिग्रियाँ कहाँ जा रही है, ऐसे कई स्टूडेंट है, एक छात्रा तो सामने आई है, कई तो ऐसे है जो सामने ही नहीं आ रहे, बड़ा एक मुझे लग रहा है बड़ा घोटाला गर्ल्स कॉलेज के अंदर हुआ है। आसूराम डुकिया, राष्ट्रीय कार्यकारिणी से MUP। एक्चुअली इसमें गलती जैसा कुछ नहीं है, पुरानी डिग्री का कोई केस था, बच्ची 2017 में डिग्री उसकी प्रोबेबली रिसीव हुई थी, लेकिन अभी उपलब्ध नहीं थी महाविद्यालय में। जो आज की तारीख में जो कार्यरत हैं उन्होंने देखा और वो डिग्री नहीं मिली, तो उसके लिए जो भी ज़रूरी कार्रवाई विश्वविद्यालय से पूछ करके जो करनी थी वो कार्रवाई करवा रहे हैं और डिग्री मिलवाने की व्यवस्था करवा रहे हैं। इसमें मुकदमा भी दर्ज कराया? नहीं, मुकदमा दर्ज करवाने का तो कोई इसमें जीरो नंबर की FIR जो कराई जा रही है वो मुकदमा दर्ज ही है क्या? ज़ीरो FIR, हाँ, यूनिवर्सिटी ने बताया कि ये प्रोसीजर है ये डिग्री गुमने के, उसमें तो 0 FIR दर्ज करवा दी जाएगी।
एफिडेविट भी दे दिया जाएगा। नहीं तो आपके महाविद्यालय को प्राप्त तो होगी ना डिग्री, आके कर गई है ऐसा कुछ पता लगाने के लिए आपको प्राप्त होगी हमको। महाविद्यालय को डिग्री प्राप्त लिस्ट में तो नाम है बच्चे का, लेकिन डिग्री उपलब्ध नहीं है हमारे महाविद्यालय में आज की तारीख में, डिग्री उपलब्ध नहीं है। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर मंजुला मिश्रा।